गुड मॉर्निंग टू ऑल, आपका अपने स्वागत है। आज के वीडियो में हम जो अमेरिका का जो फिजिकल और जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जो समय समय के अंदर यहाँ जो भी भूगर्भिक जो परिवर्तन हुए, प्लेट टेक्टोनिक जो मूवमेंट्स हुए जिसके कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ उसके ऊपर हम बात करेंगे। जब हम फिजिकल फीचर्स की हम बात करते हैं तो नॉर्दर्न जो अमेरिका है, जो उत्तरी अमेरिका है, उसको मुख्यतः हम पांच भागों में बांट कर इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इसका जो सबसे पुरातन जो भाग है जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर हुआ था उसको हम कैनेडियन शील्ड के नाम से जानते हैं, जबकि अपलेशियन पर्वत उसका जो निर्माण है वो कैनेडियन शील्ड के बाद में हुआ जिसको हाईलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो कालक्रम था लगभग जो परमियन काल था उस समय इसका उत्थान हुआ। रॉकीज वाला जो भाग है जिसको हम पश्चिमी कार्डिलेरा के नाम से जानते हैं, एक नवीन पर्वत श्रृंखला है जिसका निर्माण, या ये कहें कि ये हिमालय आल्प्स जो नवीन जो न्यू फोल्डेड माउंटेन्स है उनके समकालीन है। और मध्य के अंदर हम ये कहें कि पूर्व के अंदर जो अपलेशियन और पश्चिम के अंदर जो रॉकीज माउंटेन के मध्य का जो भाग है, विशेषकर जो ग्रेट जो लेक्स है उसके सराउंडिंग और पश्चिमी जो भाग है उसको मध्यवर्ती तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। तो और सुदूर जो दक्षिण जो हाईलैंड्स है, उच्च प्रदेश है या जो द्वीप समूह है पश्चिमी, इस तरह से पांच जो प्राकृतिक संरचनाएं जो हैं जिनका समय काल के हिसाब से विकास हुआ, तो अमेरिका को इस तरह से पांच विभागों में बांट कर अध्ययन किया जाएगा। अब यहाँ हम इस मैप के अंदर आपको उन्हीं चीज़ों की, यहाँ कैनेडियन शील्ड है जिसका जो विस्तार है कैनेडा का जो उत्तर पूर्वी जो भाग है वहाँ पर, पूर्व के अंदर जो अपलेशियन जो माउंटेन्स हैं, कोस्टन प्लेन एरिया, सेंट्रल प्लेन एरिया है, और ये पूरा जो पर्वत श्रेणी को एक समूह है जिसको हम पश्चिमी कार्डिलेरा के नाम से जानते हैं, जिसमें रॉकीज, पैसिफिक कोस्टल जो रेंज हैं उनको, और जो इन मध्य के अंदर जो अंतर्वर्ती जो पठारी भाग हैं उनको हम यहाँ शामिल करते हैं। यहाँ थोड़ा सा हमें जो अलास्का है उसके नॉर्दर्न के अंदर ब्यूफोर्ड सी है, उसके दक्षिण के अंदर गल्फ ऑफ अलास्का है, और जो अमेरिका का जो उत्तरी और पश्चिमी जो भाग है जो बेरिंग जल संधि के द्वारा एशिया से पृथक है, और इसका जो एक्सटेंशन है नॉर्दर्न से साउथ तक जो पनामा जो कैनाल है वहाँ तक हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आर्कटिक सी, हडसन की खाड़ी, लैब्राडोर सी, अटलांटिक सी, ये कैरिबियन सी नीचे, और मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो ये इसकी जो सीमाएं हैं उसका निर्धारण भी करते हैं। यहाँ सबसे पहले अगर हम कैनेडियन शील्ड की हम बात करें तो ये उत्तर अमेरिका का प्राचीनतम भूभाग है जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन टाइम के अंदर हुआ था, और इस उत्तर आर्कटिक जो इसका उत्तरी जो भाग है वहाँ पर समय समय पर जो भूगर्भिक परिवर्तन हुए उसके कारण यहाँ पर फ्रैक्चर्स या विभंग हुए, जिसके कारण बहुत सारे जो द्वीप्स हैं उनका यहाँ पर निर्माण हो गया जिनको आर्कटिक जो आइलैंड्स हैं उनके नाम से भी हम जानते हैं। कैनेडियन जो शील्ड है उसको लॉरेंशियल शील्ड के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ लंबे समय तक अपरदन और उत्थान की क्रियाओं के बार बार होने के कारण यहाँ पर संप्राय मैदान की जो स्थलाकृतियाँ हैं उनका निर्माण भी हमें देखने को मिलता है। चूँकि इसका जो नदन जो पार्ट है वहाँ पर जो हिमयुग आया, हिमानीकरण के कारण बहुत सारी जो झीलें हैं उनका निर्माण इस कैनेडियन जो शील्ड है उसके ऊपर हमें देखने को मिलता है, जिसमें ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथास्का, ये जो कनाडा के अंदर जो लेक्स है जिनका निर्माण हिमानीकरण के कारण हुआ, रेंडिर, विनीपेग, और अगर ये पश्चिम भाग की जो कैनेडियन जो शील्ड है उसका जो पश्चिमी जो भाग है उसकी प्रमुख झीलें हैं जिनका जो स्थिति है वो कनाडा के अंदर है, जबकि दक्षिण की हम बात करें तो दक्षिण के अंदर जो ग्रेट जो लेक्स हैं जिसमें सुपीरियर, मिशिगन, हुरन, इरी, ओंटेरियो, और ये जो नदियां हैं ये कनाडा और सॉरी ये जो झीलें हैं कनाडा और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके मध्य में
प्राकृतिक जो सीमा है उसका निर्धारण भी करती हैं। कैनेडियन शील्ड का जो नदन जो पार्ट है, उत्तरी जो भाग है, वो अत्यधिक शीत के प्रभाव से कारण वहाँ पर काफ़ी किसी तरह की वनस्पति का विकास जो है वहाँ पर नहीं हो पाया है। वीरान क्षेत्र है, इसके लिए इसके नदन पार्ट को बैरन लैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर टुंड्रा टाइप की जो कोल्ड जो डेजर्टिक जो कंडीशंस है वो हमें देखने को मिलती है। इस मैप के अंदर हमने जो इसका जो एक्सटेंशन है, कैनेडियन जो शील्ड है इसका जो विस्तार है, वो ना केवल कनाडा का जो उत्तरी और उत्तरी पूर्वी भाग है वहाँ तक, बल्कि जो ग्रीनलैंड है वहाँ तक भी इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। हमने जैसे कहा कि सब भूगर्भिक जो परिवर्तन हुए, फ्रैक्शंस हुए, विभंजन हुए, जिसके कारण आर्कटिक द्वीप समूह का निर्माण हुआ। यहाँ बेफिन की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी है। ये जो लैब्राडोर का जो पठार है इस कैनेडियन शील्ड के उत्तरी पूर्वी भाग के ऊपर इसका एक्सटेंशन हमें देखने को मिलता है। और ये वाला जो भाग है कैनेडियन शील्ड का, यहाँ जो उच्चावच है हडसन की खाड़ी के समीप, वो थोड़ा सा नीचे है, उसको लोलैंड के नाम से हम यहाँ पर जानते हैं। अब हम बात करें दूसरे जो प्रमुख उच्चावच है नदन अमेरिका का, वो अपलेशियन माउंटेन है, जिसको आइलैंड के हाईलैंड के नाम से भी जानते हैं। कैनेडियन शील्ड के बाद जो उत्तरी अमेरिका का जो सबसे प्राचीन जो भाग है वो अपलेशियन माउंटेन के नाम से परमियन काल के अंदर इसका निर्माण हुआ। ये वो जिस तरह से भारत की बात करें तो जो अरावली जो रेंज है, जो ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स का उदाहरण है, ठीक उसी तरह से अमेरिका के अंदर जो अपलेशियन माउंटेन्स हैं, हाईलैंड्स हैं, ये अत्यंत प्राचीन मोड़दार पर्वतों के उदाहरण के अंदर इनको शामिल किया जाता है। इसका जो एक्सटेंशन है, इसका जो विस्तार है, वैसे देखा जाए तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक है, विशेषकर न्यूफाउंडलैंड से लेकर अलाबामा जो राज्य है जो दक्षिण के अंदर है वहाँ तक इसका जो विस्तार है हमें देखने को मिलता है। जब इसका जो निर्माण की जो प्रक्रियाएं हुई, जो टेक्टोनिक जो क्रियाएं हुई, उस टाइम बहुत सारी वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी यहाँ पर हुए, वॉल्केनिक इरप्शंस हुए यहाँ पर, जिसके कारण लावा या मैग्मा जो है उसका यहाँ पर न केवल आंतरिक भागों में या धरातल के ऊपर उनका जमा हो गया। इस कारण से इनके आंतरिक भागों के अंदर जो है बैथोलिथ जो स्ट्रक्चर होता है, जो मैग्मा के पृथ्वी के आंतरिक भाग में जमने के कारण एक गुम्बद नुमा जो संरचनाओं का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में हो जाता है, उसको हम बैथोलिथ के नाम से जानते हैं। और क्षितिज और लंबत रूप से एक परतों के रूप में जब मैग्मा जम जाता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, तो उसके कारण डाइट और सील जो संरचनाएँ होती हैं उनका निर्माण भी हो जाता है। तो इस तरह के बैथोलिथ, सील, डाइक जैसे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पर काफ़ी देखने को मिलते हैं। और लंबे समय तक अनाच्छादन की प्रक्रियाओं के कारण ये पृथ्वी के धरातल पर गुम्बद नुमा स्थलाकृति के रूप में दृष्टिगत भी होते हैं। यहाँ अत्यधिक टेक्टोनिक जो क्रियाएं हुई एक दूसरे के ऊपर, प्लेट्स नज़दीक आई, उसके कारण एक प्लेट का दूसरी प्लेट के ऊपर इस तरह से, अगर मेरे हाथ को आप देख पा रहे हैं, प्लेट जब टकराती हैं तो दूसरी प्लेट अन्य प्लेट के ऊपर निक्षेपित हो जाती है। तो इस तरह से इन्वर्जन ऑफ रिलीफ या टोपोग्राफी जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि जो नीचे और ऊपर की जो संरचनाएं होती हैं चट्टानों की, उसके अंदर जो समांगता है वो हमें देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ रिलीफ और टोपोग्राफी, और यहाँ लंबे समय तक अपलिफ्टमेंट इरोजन जो प्रक्रियाएं थी वो संपादित हुई। इस तरह से लगभग चार चार अपादन जो साइकिल्स हैं यहाँ पर घटित हो चुके हैं। ये जो अपलेशियन जो माउंटेन है एक रेगुलर रेंज के रूप में नहीं है, बल्कि ये एक डिसकंटिन्यूटी यहाँ हमें देखने को मिलती है, असंबद्धता हमें यहाँ देखने को मिलती है, जिसके अंदर ब्लू रिज, मध्य अपलेशियन रेंज, कैटस्किल माउंटेन, नोरडमडम पर्वत, गॉस्पो प्रायद्वीप, शॉक पर्वत, न्यूफाउंडलैंड रेंज जो उत्तरी पूर्व के अंदर है, और पश्चिम में इसके कम्बरलैंड और पूर्व में पीडमाउंट जो पठार होते हैं, जो पठार का जो पर्वत पादी जो क्षेत्र होता है उसको हम पीडमाउंट प्लेटू के नाम से जानते हैं। अपलेशियन जो माउंटेन है वहाँ पर जो अत्यधिक संपीड़न कंप्रेशन के कारण यहाँ अपनति और अभिनति जैसे स्ट्रक्चर्स जो हैं
वो हमें देखने को मिलते हैं, जब इस तरह के स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये वाला जो भाग है इसको अब हम जो अभिनति है, जो सिंक्लाइंस है और एंटीक्लाइंस के नाम से जानते हैं। और इस एक अनेक प्रकार के यहाँ पर जो ये फोल्डन माउंटेन्स होते हैं, तो वहाँ पर जो एक नत जो मोनोक्लाइनल जो फोल्ड्स होते हैं वो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो एक तरह से अपनति और अभिनति और एकनत जो फोल्ड्स जो होते हैं वो यहाँ पर दृष्टिगत होते हैं। अब इस डायग्राम के अंदर, नेक्स्ट डायग्राम में हम उन चीज़ों को एक्सप्लेन भी करना चाह रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो हडसन जो रिवर है, जो कि जिसको हम द हडसन मोहोक गैप के नाम से जानते हैं, जो कि उत्तरी अपलेशियन और जो दक्षिण अपलेशियन दो भागों में जो हडसन रिवर के द्वारा इसको पृथक किया गया है, इस डायग्राम के अंदर हम आपको वो चीज़ समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये ग्रेट लेक्स हैं, सुपीरियर मिशिगन हुरन, सॉरी सुपीरियर मिशिगन हुरन इरी और ओंटेरियो, यहाँ जो लेक ओंटेरियो है वहाँ से ये नदी निकल रही है जिसको हम हडसन रिवर के नाम से जानते हैं। और ये हडसन रिवर जो है अपलेशियन को नदन अपलेशियन और सदन अपलेशियन दो भागों में इसको डिवाइड कर देती है। न्यूयॉर्क जो शहर है इसी हडसन रिवर के ऊपर बसा हुआ है। और इस हडसन नदी ने अपलेशियन माउंटेन को दो भागों में, उत्तरी और दक्षिणी जो भाग हैं उसके अंदर वर्गीकृत किया। या कुछ कैनाल्स भी हैं जिनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो सुपीरियर और जो हुरन जो नदी है उसको जोड़ने वाली जो नहर है उसको हम शू कैनाल के नाम से, एक नंबर पे जो है वो शू कैनाल है, आप याद कर लीजिए। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, सुपीरियर और हुरन के मध्य के अंदर शू कैनाल, जो मिशिगन है उसके दक्षिण के अंदर जो है वो इलिनॉइस कैनाल है, और आपके जो इरे जो लेक ऑफ इरे है वहाँ पे क्लीवलैंड ओहियो कैनाल के नाम से, और जो इरी और ओंटेरियो जो झीलें हैं उन दोनों को जो जोड़ने का काम है वो वेटलैंड जो कैनाल है वेल लैंड कैनाल के नाम से जाना जाता है, जबकि यहाँ इरे कैनाल है और जो यहाँ अगर हम लेक ऑफ ओंटेरियो के नदन में हम देखें तो यहाँ पे राइड्यू कैनाल और सेंट लॉरेंस जो रिवर है उसको जोड़ने का काम जो है सेंट लॉरेंस लीचीने कैनाल के द्वारा किया जाता है। तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक तरह से जो हडसन जो रिवर है वो नदन और सदन अपलेशन के अंदर डिवाइड का काम करती है। यहाँ अगर हम बात करें तो नदन जो अपलेशियन जो माउंटेन है मुख्यतः पठारी भाग है, जबकि जो सदन जो अपलेशियन जो माउंटेन है वो एक पहाड़ी भाग है, क्योंकि उत्तरी जो अपलेशियन है उसकी जो ऊंचाई है वो दक्षिण अपलेशियन की तुलना में कम हमें देखने को मिलती है। यहाँ जो हिमानीकरण के जो प्रभाव हैं वो के कारण यहाँ पर मिट्टी का अभाव है। लो लैंड्स में आपको झील्स देखने को मिलती हैं और वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के कारण जो नदन अपलेशियन जो पार्ट है उसके ऊपर इग्नियस यानी आग्नेय और रूपांतरित जो चट्टाने हमें देखने को मिलती है, और ये रूपांतरण के कारण नीस स्लेट क्वार्ट्ज़ाइट जो संगमरमर की जो संरचनाएं हैं, खनिज पदार्थों के दृष्टिकोण से भी नदन अपलेशियन जो क्षेत्र है काफ़ी समृद्ध है। उत्तरी अपलेशियन को हम न्यूंग्लैंड की पहाड़ियों के नाम से या वर्कशायर की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। यह पहाड़ियाँ कनाडा के न्यू ब्रॉन्सविक एंड नोवा स्कोशिया से लेकर न्यूफाउंडलैंड तक एका की पहाड़ी के रूप में देखने को मिलती हैं, जिनको हम मोनाडनोक के नाम से जानते हैं, यानी विभिन्न अपरदन की प्रक्रियाओं के कारण, जैसा कि डेविस ने कहा था कि अपरदन के बाद कुछ कठोर जो चट्टाने धरातल के ऊपर उभरी हुई रहती हैं उसको मोनाडनोक का नाम डेविस के द्वारा दिया गया था। तो जो विभिन्न एका की जो पहाड़ियाँ हैं वो यहाँ नदन अपलेशियन के अंदर मोनाडोक के नाम से जानी जाती है। अगर हम ये नदन अपलेशियन की बात करें तो विभिन्न नदियों के द्वारा यहाँ जो उच्चावच हैं उनको विभिन्न भागों में बांट दिया गया है, छोटी पहाड़ियों के अंदर, उसके अंदर सिस्कोटिना नोट्रेडे में कैलिडोनिया, लॉन्ग रेंज ऑफ न्यूफाउंडलैंड, वाइट माउंटेन ऑफ न्यू
हैम्पशायर और ग्रीन माउंटेन ऑफ वर्मोंट, टैकोनिक रेंज और एडिरोनडेक माउंटेन ऑफ नदर न्यूयॉर्क जो है वहाँ पर इस तरह के जो पहाड़ियाँ हैं वो उचावत जो हैं हमें यहाँ नदर अपलेशन के अंदर देखने को मिलते हैं। अब दक्षिण अपलेशन की हम बात करें तो मैंने जैसे कहा कि इसका उचावत उत्तरी अपलेशन की तुलना में अधिक है, तो ये एक पहाड़ी भाग है और इसका जो मुख्यतः इसको चार भागों में बांट कर इसका अध्ययन हम करते हैं। एक अपलेशन जो पठार है जो उत्तरी भागों की बात करें विशेषकर सदर्न अपलेशन का उत्तरी जो भाग है उसमें अल्गेनी और कम्बरलैंड जो प्लेट्यूज़ हैं उनको इसमें अंदर शामिल करते हैं और यहाँ की जो मुख्य जो नदियाँ हैं वो रिवर कैनवा, रिवर कैंटुकी, रिवर कम्बरलैंड मुख्य जो नदियाँ हैं जो कि इस अपलेशन जो पठारी भाग है इसके अंदर अल्गेनी और कम्बरलैंड को शामिल किया है वहाँ बहती हैं। जबकि जो नवीन जो अपलेशियन क्षेत्र है इसका जो डेवलपमेंट है इसके बाद में हुआ था और प्राचीनतम जो अपलेशियन क्षेत्र है जिसमें पश्चिमी जो इसकी सीमा है प्राचीन अपलेशियन की वो ब्लू रिज श्रेणी से जिसमें ग्रेट स्मोकी माउंटेन देखने को मिलता है और अपलेशियन जो माउंटेन है ओल्ड फाउंटेन माउंटेन है उसका सर्वोच्च जो शिखर है वो इसी ब्लू रिज जो रेंज है उसके अंदर माउंट मिशेल के नाम से जिसकी ऊंचाई 2047 मीटर है ये एक डोम शेप्ड माउंटेन है और इसका जो पूर्वी भाग की बात करें तो अचानक उच्चावच में परिवर्तन होने के कारण यहाँ पर एक प्रपातीय रेखा यानी यहाँ से छोटे छोटे जलप्रपातों का निर्माण हो जाता है जब ये जो नदियाँ हैं उसके बाद अटलांटिक जो महासागर है उसके अंदर अपना पानी गिराती हैं। तो इस तरह से सदर्न जो अपलेशन जो भाग है उसके अंदर ये दक्षिण अपलेशन का हमने पार्श्व मानचित्र की बात की कम्बरलैंड प्लेट्यू, अपलेशन वैल्यू, पीडमेंट और ये जैसे मैंने कहा पीडमोंट जो होता है पहाड़ का पर्वतपातीय क्षेत्र अटलांटिक महासागर की तरफ, हम अमेरिका का जो अपलेशन वाला पार्ट है उसकी बात की। यहाँ उच्चावच में अचानक परिवर्तन आने के कारण यहाँ पर छोटे छोटे वाटरफॉल्स का निर्माण हो जाता है तो उनको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको फॉल लाइन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो पूर्व की तरफ कोस्टल लाइन है और यहाँ पर न्यू सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं और ये अटलांटिक सागर है। यहाँ इस में हमने दिखाया भी है कि ये न्यू इंग्लैंड वाला पार्ट है जिसका अधिकांश जो भाग है नदर्न अपलेशन के अंदर शामिल किया जाता है जबकि ये अपलेशियन प्लेट्यू देन जो यहाँ के अंदर जो रिज और वैलीज हैं और पूर्व के अंदर यहाँ ब्लू माउंटेन रिज माउंटेन है जिसके अंदर की हाईएस्ट जो चोटी है वो हमें देखने को मिलती है उसकी हमने यहाँ बात की। ये आपके पीडमोंट है जो ये पर्वतपादी जो क्षेत्र होते हैं उसको पीडमेंट को नाम से जानते हैं और यहाँ अचानक उच्चावच में परिवर्तन होने के कारण यहाँ फॉल लाइन जो है ग्रीन जो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ फॉल लाइन हमें देखने को मिलती है और ये जो उच्चावच हैं हमें यहाँ जैसे मैंने आपसे कहा पर जो पश्चिम जो अपलेशन प्लेट्यू है उसके अंदर अल्गेनी प्लेट्यू है कम्बरलैंड की हमने बात की तो उनको हमने यहाँ पर शामिल किया है। ये नदन जो है उसके अंदर जो विभिन्न नदियों के द्वारा भागों में विभक्त कर दिया गया है जिसमें एडिनोडेक माउंटेन्स की हमने बात की यहाँ पर आपसे माउंटेन कैथाडिन की बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो इस तरह के जो उच्चावचीय विभिन्नताएं हमें यहाँ पर इस अपलेशन जो माउंटेन वाला जो पार्ट है वहाँ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके जो रिमेनिंग जो पार्ट्स है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।